हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप कैसे आप अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को ज्वाइन कर सकते हो, मतलब लिंक कर सकते हो। जैसा कि इसका जो डेट था सरकार ने अभी बढ़ा दिया है, मतलब 2020 लास्ट तक कर दिया है। इसके साथ ही अगर और भी एक्सटेंड होने का होगा तो हो जाएगा, जो भी नोटिफिकेशन होगा उसका मैसेज आपको मिल जाएगा। बट आज की वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अगर अभी तक आपने अपने आधार कार्ड को और पैन कार्ड को लिंक नहीं किया हुआ है तो बहुत ही आसानी में कुछ ही स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कर सकते हो। इसके लिए आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, ना आपको सर्विस, आपको ना साइबर कैफे जाना है, ना किसी कंप्यूटर शॉप पे जाना है। इसके लिए आपका मोबाइल ही काफी है। आप कैसे बस कुछ ही पल में आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड को लिंक कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने मोबाइल पे, वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता और बताता हूँ कि आप कैसे आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कर सकते हो। लेकिन वीडियो को पूरा स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा, जो भी उसमें बताया जाए आप उसको फॉलो कीजिएगा, तभी आप कर पाएंगे। अदरवाइज फिर आप कहोगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा आप कमेंट्स में, तो इसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखिए। सो फ्रेंड, अगर आप भी अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना चाहते हो तो बहुत ही आसानी में कर सकते हो। इसके लिए करना क्या होगा, तो आपको सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में आ जाना है। ब्राउज़र टाइप करना है जो मैं लिख रहा हूँ, आधार पैन, देख लीजिएगा जो मैं लिख रहा हूँ आपने भी वही लिखना है, आधार पैन लिंक। आपने सिंपली यही लिख के सर्च कर लेना है। आप जैसे लिख के सर्च करेंगे तो आपकी स्क्रीन के सामने जो पहला वाला ऑप्शन आ रहा है, सो सिंपल पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। आप जैसे ही पहले वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको पैन नंबर, आपका जो पैन नंबर होगा। तो पैन कार्ड लिंक करने के लिए आपने क्या करना है, जो पैन नंबर है वो पैन नंबर आप यहाँ पे डालेंगे, इसके साथ ही आधार नंबर आप यहाँ पे डालेंगे दूसरे वाले ऑप्शन में, और तीसरे वाले ऑप्शन में आप डालेंगे नेम एज पर आधार। यहाँ पे जितने भी रेड कलर में स्टार लगे हुए हैं वो मतलब भरना कंपलसरी है। मतलब एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर करा दूँ, जो आपका डेट ऑफ बर्थ और जो आपकी स्पेलिंग होनी चाहिए आधार कार्ड और पैन कार्ड की सेम होनी चाहिए, वो चाहे डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे फादर नेम हो, चाहे अगर हम बात करें आपकी नेम की स्पेलिंग हो, ये तीनों चीज़ आपकी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। पहले में आप अपना पैन नंबर दे देंगे, जो भी आपका पैन नंबर, दूसरे वाले ऑप्शन में आपका आधार नंबर डालेंगे, तीसरे वाले ऑप्शन में नेम जो कि आधार कार्ड में है वो आप डालोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे आई एग्री टू वैलिडेट माय आधार यूजर डिटेल्स, तो आपने एग्री कर देना है। उसके बाद लास्ट में आपको दिख रहा है इमेज जो कि आपको कैप्चा के तौर पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4MYM5F, तो ये वाला आपने, ये वो जो कैप्चा है वो कैप्चा आपने डालना है। इसके साथ ही आपको यहाँ पे एक जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, लिंक आधार का एक ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप कुछ स्टेप्स को ही फॉलो करके आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से बहुत ही आसानी में लिंक कर सकते हो। अगर लिंक करने में आपको कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।